लीवर के लिए बेहद खतरनाक है। ये चीजें रोजाना खाई जाने वाली ये चीजें आपके लीवर को बिल्कुल सड़ा देती हैं, तो आज ही इन्हें अपनी डाइट से आपको दूर करना होगा। बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यदि उनका हम रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो हमारे लीवर को अंदर से बिल्कुल सड़ा देती हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और महत्वपूर्ण अंगों में से जो लीवर है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लीवर की मदद से जो बॉडी में मौजूद विषाक्त जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम जो होता है वो लीवर का ही होता है। इसके अलावा लीवर हमारे पाचन में थोड़ा सहायक होता है, साथ में अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी जो लीवर होता है वो अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आजकल लोगों की खराब लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी खान पान की वजह से लीवर से जुड़ी जो समस्या है वो बहुत ही ज्यादा होने लगी हैं, और ये कम उम्र के लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से ऐसे फूड हैं यदि हम उनका रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लीवर को बिल्कुल खराब कर देती है, लीवर को सड़ा देती है, या फिर लीवर से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हमारे शरीर में होने लगती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन से फूड हैं जो हमारे लीवर को सड़ाने का काम करती हैं। यदि हम उनका रेगुलरली इस्तेमाल करें तो हमारा लीवर बिल्कुल खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो चीजें हैं वो है आपका शराब। जी हाँ, शराब का यदि हम रेगुलरली सेवन करते रहते हैं तो ये हमारे लीवर को बिल्कुल सड़ा देता है, खराब कर देता है, क्योंकि ज्यादा सेवन करने से लीवर संबंधी बहुत सी बीमारी हमारे शरीर में होने लगती हैं। इस तरह से ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करने से जो फैट है वो हमारे लीवर में जमा होने लगता है, जो कि आगे चलकर लीवर सिरोसिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा कारण बनती है। और जब ये सब दिक्कतें होने लगती हैं तो जो कि जिसकी वजह से हमारे खून की उल्टी हो सकती है, आपको पीलिया की समस्या हो सकती है, लीवर का कैंसर हो सकता है, लीवर में सूजन हो सकती है, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं आपको शराब पीने की वजह से हो सकती हैं। इसलिए हमें तुरंत ही आपकी जो शराब पीने की जो आदत है उसे छोड़नी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है मैदा। यदि हम मैदा की बनी ही चीजें हैं जैसे कि पिज्जा है, मोमोज है, पास्ता है, मतलब मैदा की बनी जो भी चीजें हैं ये हम इनको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये हमारे लीवर को तेजी से सड़ाने का काम करते हैं। और जब गेहूं से मैदा बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि प्रोटीन को इससे निकाल लिया जाता है, और ये केवल इसका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और इस तरह से यदि आप मैदे की बनी चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके लीवर को खराब करता है, आपकी पाचन संबंधी बहुत सी दिक्कतें करता है, साथ में जो ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसलिए यदि आप इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये आपको शुगर की समस्या भी कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि मैदा की जो चीजें जो आजकल हम जो खा रहे हैं उन्हें हमें खाने से परहेज रखना चाहिए। आपके लीवर को सड़ाने के लिए नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है अधिक नमक का सेवन। बहुत से लोग बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि नमक में मौजूद जो सोडियम जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त जल को जमा करता है, जिसकी वजह से हमारे लीवर में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। साथ में ये हमारे हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और यदि आपको लीवर सिरोसिस की समस्या है, लीवर संबंधित कोई बीमारी है, तो उसमें भी ज्यादा नमक खाना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ज्यादा नमक के सेवन से हमें बचना चाहिए। और लीवर को सड़ाने वाली जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका शुगर। आपका शुगर का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, ज्यादा चीनी इत्यादि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आपकी जो लीवर है उसको सड़ा देते हैं। साथ में जो रिफाइंड शुगर का आप इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं या फिर हाई फ्रक्टोज की जो डाइट है उसको आप ज्यादा ले रहे हैं तो लीवर संबंधी जो बीमारी होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें शुगर का भी लिमिटेड प्रयोग ही करना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लीवर को खराब करने के लिए, जी हाँ, वो है पेन किलर्स।
जो हम बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर दर्द होने लगा और बहुत ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तुरंत घर पे कोई भी टैबलेट रखी हुई है या कहीं से भी लेकर एक टैबलेट खा ली, तो वो क्या है कि हमारी लीवर को बहुत ज्यादा खराब करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लीवर जो होता है उस दवाओं को वो तोड़ता है, उनको प्रोसेस करता है। यदि आप रेगुलरली इन पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में करते रहते हैं बिना किसी सलाह के, तो वो जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो हमारे लीवर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको लीवर को सड़ाने का काम करते हैं और लीवर संबंधित जो बहुत सी बीमारियां, गंभीर बीमारियां आपको होने की जो संभावना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिलहाल एक मैं छोटी सी वीडियो लेकर आया था कि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम उम्र में लोगों में लीवर संबंधी बीमारी बहुत ज्यादा होने लगी है, और उसका जो मुख्य कारण मैंने आपको बताया वो है हमारा अनहेल्दी खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में भी ये सब बीमारी, लीवर संबंधित बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फिलहाल यदि हम इन चीजों को परहेज रखेंगे जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताए, तो डेफिनेटली आपके जो ओवरऑल बॉडी के लिए और आपकी लीवर की हेल्थ के लिए, आपकी लीवर को सड़ने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो मैं चीजें बताई हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें या फिर बिल्कुल ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।